खाना हमारी दैनिक दिनचर्या का जरूरी हिस्सा है। सभी जानते हैं कि जीवित रहने के लिए लोगों को खाने की जरूरत होती है। ये एक ऐसी चीज है जिस पर हम ज्यादा सोच विचार नहीं करते, क्योंकि इसी वजह से हम सांस ले पाते हैं, सो पाते हैं, यहाँ तक कि चलना फिरना भी खाना खाने की वजह से ही संभव है। फिर भी यदि देखा जाए तो बहुत से लोग पाचन संबंधी समस्याओं से ग्रसित होते हैं। कई लोगों को हर समय अपच, अम्लता, कब्ज और सुस्त पाचन की समस्या बनी ही रहती है। इससे निजात दिलाने के लिए आयुर्वेद आपकी मदद कर सकता है। जी हाँ, आपको बता दें कि एक आयुर्वेदिक विशेषज्ञ ने अपने पोस्ट पर शेयर किया था जिसमें उन्होंने खाने के नियमों के बारे में बताया है। उनके अनुसार हम सभी को खाद्य पदार्थों को ठीक से खाने और पचाने के लिए खाने के नियमों का पालन करना बेहद जरूरी है। विशेषज्ञ के अनुसार ठंडा भोजन खाने से हमेशा बचें। कोशिश करें जो भोजन आप कर रहे हैं वो गर्म और ताजा हो। बता दें कि गर्म भोजन अग्नि या पाचन अग्नि को उत्तेजित करता है। इतना ही नहीं, ये पाचन क्रिया को बढ़ावा देने में भी मददगार है। गर्म भोजन से मतलब है कि भोजन इतना गर्म होना चाहिए कि आप इसे आसानी से खा सके। कई लोग भूख लगने पर जरूरत से ज्यादा खाना खा लेते हैं, लेकिन कुछ समय बाद इन लोगों को कब्ज और पाचन संबंधी समस्याएं घेर लेती हैं। आयुर्वेद के अनुसार हर व्यक्ति को सही मात्रा में ही भोजन करना चाहिए। भोजन की सही मात्रा वात, पित्त और दोष पर किसी भी प्रभाव के बिना आपकी उम्र बढ़ाते हैं। कहा जाता है कि दोपहर का भोजन सबसे जरूरी और अच्छा होना चाहिए। आयुर्वेद का नियम है कि भले ही सुबह और शाम कम भोजन खाए, लेकिन दोपहर का खाना बहुत स्वस्थ और अच्छा होना चाहिए। आयुर्वेद में तमाम बीमारियों को रोकने के लिए व्यक्ति की जीवन शैली के साथ खान पान की आदतों को बदलने पर जोर दिया जाता है। इससे तीन दोषों का यानी कि वात, पित्त और कफ का संतुलन बना रहेगा और आप जीवन भर स्वस्थ रहेंगे।